बंधु सब सिद्धे मचल मणु गदिन पत्ते उच्छामि समय पाहुड ऋणमो सुद के वही भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव भगवान की अनुपम रचना समय सार सामने विराजमान है। भाई साहब ऋषभ जी ने कल रात में एक डिमांड की कि इसकी पांचवी गाथा का व्याख्यान आपका सुनना है, लेकिन अब ऋषभ जी नहीं है तो करेंगे आ जाएंगे। वो पता नहीं वो सुनना चाहते थे कि आपको सुनवाना चाहते थे तो उन्हीं के अनुरोध के मद्देनजर समय सार की पांचवी गाथा आज हम देखेंगे। आज से 2000 साल पहले जब आचार्य वर ने इस ग्रंथ की रचना की तो इसकी पांचवी गाथा में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना एक उद्देश्य बताया कि मैं समय सार क्यों लिख रहा हूं। सारी दुनिया यदि समय सार के सामने क्वेश्चन मार्क लगाए, प्रश्न वाचक चिन्ह खड़ा करे कि समय सार क्यों, समय सार की इतनी चर्चा क्यों, समय सार पर इतना काम क्यों, 19 बार गुरुदेव ने प्रवचन किए क्यों, वो इसलिए क्योंकि 20वीं बार लायक उम्र नहीं थी इसलिए, यदि और आगे रहते तो और होते। आखिरकार समय सार पर इतना ज्यादा है ना, इतनी वार्ता क्यों होती है, तो उसका जवाब इस पांचवी गाथा में है। ये पांचवी गाथा समय सार का प्रतिज्ञा पत्र है, एक एग्रीमेंट है जो कुंद कुंद देव ने साइन किया है कि मैं समय सार क्यों लिख रहा हूं, उसमें जो बताऊंगा उसकी मेथड क्या होगी, और जब मैं बताऊंगा तो पाठकों से वो उम्मीद क्या करते हैं, और इसमें खतरे क्या है। तो चार बातें हैं इस गाथा में दो पंक्तियों में, ठीक है। तो जरा पढ़े, पहले गाथा का वाचन करते हैं फिर उसका अर्थ करेंगे, उस पर बात करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आप दोहराने की कोशिश करना। तम एयत विहत्तम, तम एयत विहत्तम, दाये हम अपड़ो सविह वेण, दाये हम अपड़ो सविह वेण, जदि दाये च प्रमाणम, जदि दाये च प्रमाणम, चुक्के च छलम न घेतव्यम, चुक्के न छलम घेतव्यम। कोई बात नहीं, ठीक ठीक बोली मोबाइल में निकाल लो चाहो तो उसमें, खैर क्या अर्थ है इस गाथा का। अब चूंकि आपके सामने तो गाथा है नहीं तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहला इस गाथा में शब्द है तम, तम एयत्त बृहत्तम, उस एकत्व विभक्त को। कौन सा एकत्व विभक्त? एकत्व विभक्त यानी अपने स्वभाव से तन्मय और पर द्रव्य से भिन्न। अपने स्वभाव में तन्मय आत्मा, ये इसका एकत्व है, और शरीर आदि से भिन्न, ये इसका विभक्त है। तम एयत्त विहत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त को। कौन सा? तो अब इस उसका संबंध पीछे की कुछ गाथाओं से, पांचवी है ना, तो इसका संबंध फिर तम मतलब क्या, तो गाथा दो गाथा तीन गाथा चार से इसका संबंध है, जहां ये बताया है कि एकत्व ही सुंदर है और एकत्व के साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है, और जीव ने काम भोग बंध की कथा बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया,
लेकिन पर से भिन्न एकत्व की चर्चा आज तक ना सुनी ना परिचय किया ना अनुभव किया। मैं उस एकत्व विभक्त को तम यानी पीछे गाथाओं से इसका संबंध है, पीछे गाथाओं में मैंने जिसकी बात की उस एकत्व विभक्त को दाएहम मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा एक ही बात है, दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इस समय सार का उद्देश्य है कि मैं इस समय सार में क्या दिखाऊंगा, आत्मा दिखाऊंगा, पर से भिन्न और अपने स्वभाव से अभिन्न ऐसा आत्मा दिखाऊंगा। समझ में आया? तो इतनी वार्ता क्यों समय सार की? वो इसलिए कि आज से 2000 साल पहले जब हमारी जिनवाणी लिखने की है ना श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, उस समय अकेले कुंद कुंद देव ऐसे थे और अकेला समय सार ऐसा था जिसमें किन्हीं आचार्य ने खुल्लम खुल्ला कहा हो कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, मैं आत्मा आपको अनुभव कराऊंगा। और वह कौन सा आत्मा होगा, उसको दिखाने की विधि क्या होगी? तो लिखते हैं, अपड़ो सभी वेड़ आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, आत्मानं स्वाविभवेन, आत्मा के निज वैभव से। उसे ही प्राकृत में कैसे कहेंगे, अपाणम सविहवेण। समझ में आया ना, मैं वो आत्मा दिखाऊंगा जो मेरे लिए स्वानुभूत सत्य है, जिसका आनंद मैंने स्वयं लिया है, जिसको मैंने स्वयं भोगा है, ऐसे निज वैभव से मैं आत्मा दिखाऊंगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये पहली पंक्ति हुई गाथा की, बहुत अच्छे से समझिए। तम एयत बेहत्तम दाएहम अपड़ो सभी वेण, मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। समझ में आ गया अर्थ? अब इससे स्पष्ट और सरल क्या चाहिए है? बिल्कुल आपके गाथा बिल्कुल शब्द दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, भले सामने शास्त्र नहीं है आपके। ठीक है, तो ये पहली पंक्ति में आचार्य ने दो बातें बता दी, अपना उद्देश्य बता दिया कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, और दूसरा उसकी मेथड बता दी कि वो आत्मा दिखाऊंगा जिस आत्मा को मैंने स्वयं जाना है, माना है, अनुभव किया है, ऐसे मैं अपने अनुभव से आत्मा दिखाऊंगा, अपने वैभव से आत्मा दिखाऊंगा। ये सुना हुआ सत्य नहीं है, ये बाजार से खरीदा हुआ सत्य नहीं है, ये अनुभव किया हुआ सत्य है। समझ में आती है बात? ठीक है, सारी दुनिया प्रश्न खड़ा करे समय सार क्यों, बस इसलिए समय सार, बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य बताया। अब आगे लिखते हैं आचार्य दूसरी पंक्ति, यदि यदि दाएज प्रमाणम, यदि मैं दिखाऊं तो। शब्द क्या लिखा, यदि, अजीब बात है, ऊपर की पंक्ति में तो आप कह रहे हैं कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, और दूसरी पंक्ति में बात आते ही पहली कंडीशन जोड़ दी, और कौन सा शब्द जोड़ दिया, यदि, यदि मतलब यदि। अब ये यदि यदि इफ बट किंतु परंतु ये सब क्यों आ गए? वो इसलिए आ गए कि पहली पंक्ति में तो आचार्य करते हैं अपनी बात, तो स्वयं पे तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन दूसरी लाइन में बात आ जाती है हमारी आपकी श्रोताओं की, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो कंडीशन लगा देते हैं, यदि यदि मैं दिखा दूं तो। हे आचार्य देव, आप कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं, आपने 84 पाहुर ग्रंथों की रचना की है, तीन की तो भी हमने विधान ही कर लिया, ऐसे 84 लिखे थे कुंद कुंद देव ने, 35-40 के तो नाम भी आते हैं, बाकी के नाम भी नहीं मिलते, उपलब्ध 12-13 है। तो हे आचार्य देव, आप तो कलिकाल सर्वज्ञ हैं, इतने समर्थ आचार्य हैं, भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद हम आपका ही नाम स्मरण करते हैं, और आप कह रहे हैं यदि यदि मैं दिखा दूं तो। वो बेटे उनको कुछ समझ में आया ना, आप तो दावा करो ना, हाँ, तो मैं तो दिखाई दूंगा। आचार्य ने यदि शब्द लिख के
है ना, अपना कर्तापन उसमें से निकाल दिया। बोले मेरा ये भाव है, ये मेरा भाव है, लेकिन पुरुष आपको फल तो वो मिलेगा जैसा आप पुरुषार्थ करेंगे। ये तो मेरा समझाना शिक्षा मात्र है, जरूरी थोड़ी है मैं दिखा ही रहा हूं तो आप देख ही ले। क्यों? बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लाखों लोग समय सार पढ़ेंगे, हजारों उसको समझने की कोशिश करेंगे, सौ लोग उसको समझने की प्रक्रिया में होंगे, दसेक लोग उसका ईमानदारी से चिंतन करेंगे, तब एकाध व्यक्ति को शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं दावा कैसे करूं कि मैं आत्मा दिखाई दूंगा, मैं दिखा रहा हूं, मेरा यह भाव है। तुम्हारा संसार का किनारा निकट आ गया हो, तुम्हारी होनहार अच्छी हो, समझ में आया, तुम्हारे अंदर का पुरुषार्थ जागृत हो जाए और भगवान आत्मा का अनुभव कर लो तो खुशी की बात है। लेकिन ये लाखों में से कोई एकाध कर पाएगा, बीच में से बहुत सारा फिल्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए आचार्य कौन सा शब्द डाल देते हैं, यदि, यदि मैं दिखा दूं तो। पक्का नहीं है, क्यों? दिखाने का भाव मेरा है, देखोगे आप, इस बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं, और कैसे फिल्ट्रेशन हो जाता है देखो। बहुत सारे लोग समय सार पढ़ेंगे, ओ बहुत अच्छा ग्रंथ है, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, समझ में आया ना, इस पे तो रिसर्च होनी चाहिए, इस पे तो शोध होने चाहिए, इस पे पीएचडी कराओ। तो हजारों लोग पढ़ेंगे समय सार, लेकिन वो इसे वाक विलास, पीएचडी, शोध और बुद्धि का विषय बना के इसे बंद करके विश्वविद्यालयों में पीएचडी करके रख देंगे, तो कुंद देव की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे ना। कुछ लोग होंगे, आह बहुत अच्छा है, अच्छा शास्त्र है, आचार्य कुंद देव ने बहुत बढ़िया लिखा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन ये तो निश्चय नहीं की बात है, समझ में आया ना, इसमें तो निश्चय नहीं की बात है, व्यवहार की तो इसमें है ही नहीं, तो निश्चय ऐसे ठीक है लेकिन व्यवहार नहीं है, तो ये तो बहुत ऊपर वाली भूमिका वाले जीवों के लिए है, शुद्धोपयोग की इसमें बात है ना, और पंचम काल के जीवों को तो इस तरह की अभी कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, बंद कर दो इसको, समझ में आया। तो उन्होंने भी पढ़ा, लेकिन इसे ये तो शुद्ध नहीं की बात है, निश्चय नहीं की बात है, ऐसा कहकर इसे बंद करके अलमारियों में रख दिया, और आगे बढ़ जाएंगे तो खुद भी नहीं पढ़ेंगे और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देंगे, तो कुछ ऐसे छट जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे, आ कितना अद्भुत है, अद्भुत शास्त्र है, सच में समय सार तो कल्प वृक्ष है, काल्प है, काम धेनु है, तुच्छ है निश्चय ग्रंथ भंग सगला, व्यवहार ना भेदवा, समय सार तो जगत को देखने का अद्वितीय चक्षु है। गुरुदेव की भाषा हम दोहरा दें तो कहें, आ तो अशरीरी धवानु शास्त्र छे, और हम बहुत बहुमान से समय सार पढ़ेंगे, ओहो गुरुदेव ने कमाल किया है, अमृत बरसाया है, आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, समझ में आया, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन मई सत्ता हूं, पंचम काल में यदि कहीं अमृत है तो समय सार में है, आहा आहा आहा, और ऐसा करते करते हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो फाफड़ा जलेबी निकालो, खाकड़ा निकालो, समझ में आया ना, कुछ ऐसे छट जाएंगे, कुछ कैसे होंगे, बहुत संजीदगी से समय सार पढ़ेंगे, समझ में आया, उस पर विचार करेंगे, निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, ईमानदारी से बहुत अंतर मन से वह आत्मा के अनुभव का प्रयत्न करेंगे, समय सार पढ़ के एकांत में जाएंगे, विचार करेंगे, मैं प्रमत्त नहीं हूं, अप्रमत्त नहीं हूं, गुण स्थान आदि से पार भगवान आत्मा हूं, मैं हूं, मैं हूं, वास्तव में ये ही है मेरा जीवन, और अनुभव के उस बिंदु तक पहुंचने के पहले एक किंतु नाम का सांप आके एक जीव को डस लेता है। कौन सा सांप? किंतु। बोले हाँ भगवान आत्मा हूं मैं, निश्चय से आत्मा हूं, किंतु किंतु व्यवहार से शरीर तो हूं ही ना, खत्म, अब तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हाँ आत्मा कर्म नो कर्म का करता नहीं है, सच बात है, मैं करता हूं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, किंतु, और वो किंतु आके इस व्यक्ति को वापस उसी धरातल पर गिरा देगा।
ये किंतु एक तरह खतरनाक है कि ये हमें वस्तु के पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव नहीं करने देता, ये किंतु हमें वापस वहीं ढकेल देता है। आपने देखा होगा बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते होंगे, खेलते थे। सांप सीढ़ी में सांप होता है और सीढ़ी होती है, सीढ़ी से चढ़ते हैं और सांप काटता है तो नीचे आ जाते हैं। और आपने देखा होगा उसमें एक 99 का सांप होता है ना जैसे तैसे कर करके आप 98 तक पहुंच गए। अब उसके बाद 2 आ जाए तो 100 हो जाए, जीत जाए आप। और यदि 99 पर पहुंच गए तो वो सांप काटता है और बिल्कुल सबसे नीचे आ जाते हैं। ये किंतु मतलब 99 का सांप है, समझ में आया ना। जिसने किंतु का समाधान ढूंढ लिया है, अरे मैं भगवान हूं इसलिए शास्त्रों में उसे भगवान कहा है, शास्त्र में भगवान आत्मा कहा है इसलिए मैं भगवान आत्मा नहीं हूं, आत्मा शुद्ध है इसलिए शास्त्रों में शुद्ध कहा है, शुद्ध कहा है इसलिए मैं शुद्ध नहीं हूं। लेकिन किंतु परंतु अगर मगर, समझ में आया। इस श्रद्धा से आत्मा का अनुभव होगा है। आप फ्लाइट में जाए और जब चढ़े और क्रू मिल गए, जो चलाने वाला है वो मिल जाए, तो हम ऐसा तो बराबर 1.5 घंटे बाद मुंबई पहुंच जाएंगे और वो कहे देखते हैं क्या होता है आपको कैसा लगेगा है? इस भाव से जाओगे आप, आपके लड़के की शादी पक्की हो जाए और बारात लेके जाना है यहां से कहीं इंदौर, और आप अपने समझी से कहें हाँ तो मैं उस तारीख को सुबह बारात आपके यहां पहुंच जाएगी, आप साफ तैयारी करके तो रखेंगे ना तारीख। हाँ देखते हैं, आप आओ आप पहले फिर देखेंगे। तो इस श्रद्धा से बढ़ेंगे आप। इसलिए आचार्य ने कौन सा शब्द लिया, यदि, यदि मैं दिखा दूं तो। क्यों भैया, हजारों लाखों पढ़ेंगे और पता नहीं कोई किंतु के नाम पे, कोई परंतु के नाम पे, कोई ये तो निश्चय की बात है, कोई कहेगा ये तो मुनियों के पढ़ने की है, कोई कहेगा ये तो पंचम काल में समय सार का काम ही नहीं, ऐसे हजारों लोग इस छटनी में चले जाएंगे तो एकाध को जाके आत्मा की अनुभूति होगी। इसलिए आचार्य ने कौन सा शब्द लिखा, किंतु। योग सार ग्रंथ में आचार्य योगेंदु देव ने लिखा और इस तरह की गाथा कार्त ज्ञानोपरीक्षा में है, मालूम वो क्या लिखते, बिरला जान ही तुबह बिरलाड़ सोड़ी तू, बिरला जायही तुझिए बिरला धार ही तू। समझ में तो नहीं आया, क्या अर्थ है इसका, देखना आप आग चौथे पद का तो अर्थ आप खुद बोल देंगे। ये अपभ्रंश भाषा है, ये गाथा जो पढ़ी वो प्राकृत भाषा है, जो बोला ये अपभ्रंश भाषा है। क्या लिखते हैं आचार्य योगेंदु देव, बिरला जान ही तत्व बुहु, कोई बिरला ज्ञानी है जो तत्व को जानता है, बिरलाड़ सुड़े तत्व, कोई बिरला हो जो तत्व को सुनता है, बिरला झाए ही तुझी, अरे कोई बिरला होता है जो तत्व का ध्यान करता है, बिरला धार ही तत्व, कोई बिरला होता है जो तत्व को धारण करता है। इसलिए मैं दावा कैसे करूं कि मैं आत्मा दिखाई दूंगा। इसलिए आचार्य कौन सा शब्द डाल देते हैं गाथा में, यदि, यदि, यदि दाएज, यदि मैं दिखा दूं तो क्या करना, प्रमाणम, उसे प्रमाण कर लेना, यानी मैं स्वानुभव से आत्मा दिखा रहा हूं, यदि मैं आत्मा दिखा दूं तो तुम भी स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, उसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा मैं शुद्धात्मा हूं इसका अनुभव कर लेना। समझ में आया ना, 1.5 पंक्ति हो गई। पहला, मैं आत्मा दिखाऊंगा, कैसे दिखाएंगे, निज वैभव से दिखाऊंगा,
क्या दिखा ही देंगे? नहीं, यदि मैं दिखा दूं तो हमसे उम्मीद क्या करते हैं कि यदि मैं दिखा दूं तो आप क्या करना, प्रमाण कर लेना। तीन बातें आ गई, मैं आत्मा दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, ये उनका अपना, और हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि जब हम दिखा दें तो उसे अनुभव के द्वारा प्रमाण कर लेना। और फिर चौथा पद लिखते हैं, चुकेज छलम न घेतव्यम, और यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। चौथे पद में एक सावधानी बताई कि मैं जो रास्ता, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, जो मैंने बीड़ा उठाया है आत्मा को दिखाने का, ये सरल नहीं है, ये आसान नहीं है, इसमें बहुत चूक होने की संभावना है। समझ में आया? और यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, डोंट टेक अदरवाइज। अब प्रश्न, अनेक बार व्यक्ति कहते हैं कि आचार्य ने जो चौथा पद लिखा है, चुके छलम न घेतव्यम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, ऐसा लिखकर आचार्य ने शिष्टाचार निभाया है, औपचारिकता की है, एक विनम्रता दर्शाई है, ऐसा है क्या? शिष्टाचार है क्या? मेरा इसमें प्रश्न होता है कि यदि यह शिष्टाचार मात्र होता, केवल शिष्टाचार होता, तो यह शिष्टाचार आचार्य ने प्रवचन सार में क्यों नहीं निभाया, नियम सार में क्यों नहीं निभाया, पंचास्तिकाय में क्यों नहीं निभाया, बारसाण बेखा में क्यों नहीं निभाया, दंसण पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, शुद्ध पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, चरित पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, बोध पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, भाव पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, मुख पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, लिंग पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, सील पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, रेण सार में क्यों नहीं निभाया, दस भक्तियों में क्यों नहीं निभाया, मूलाचार में क्यों नहीं निभाया, केवल समय सार में ही शिष्टाचार क्यों? आचार्य तो एक ही है, लेखक तो एक ही है, समय सार में चूकने की बात करने का मतलब क्या है? यदि यह शिष्टाचार होता तो सब जगह निभाते ना, इसी में क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि ये शिष्टाचार मात्र नहीं है, ये विनम्रता का प्रदर्शन या औपचारिकता नहीं है। फिर चूकने की बात समय सार में क्यों? चूकने की बात लिखकर आचार्य ने समय सार के साथ जुड़े हुए खतरों की तरफ इशारा किया है। काय की तरफ इशारा किया है? खतरों की तरफ इशारा किया है कि हे भव्यो, समय सार पढ़ने में खतरे बहुत हैं। पक पक पे मैं ऐसे हाई डोज दूंगा, पक पक पे मैं ऐसी बातें कहूंगा कि प्रथम दृष्टिया तुम चौंक जाओगे, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और जब ऐसा हो तो तुम मेरे उद्देश्य को समझ लेना कि मुझे आत्मा दिखाना है इस उद्देश्य से कि तुम्हें भी आत्मा दिख जाए। इस उद्देश्य को यदि भूल जाओगे तो तुम पक पक पे समय सार में चूक करोगे। और उसी तरफ इशारा करते हैं आचार्य कि यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। अच्छा प्रश्न, चूक किससे होगी? आचार्य के बताने में चूक होगी कि हमारे समझने में चूक होगी? आचार्य से बताने में चूक नहीं होगी, क्योंकि वो सुद केवली भणिदम श्रुत केवली कथित समय सार बता रहे हैं, स्वानुभूति से प्रसूत आत्मा दिखा रहे हैं, उनसे कहां चूक होगी? लेकिन चूक तो हमारे समझने में होगी। लेकिन महापुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनके जीवन में जो कुछ अच्छा होता है, मांगलिक होता है, हमेशा उसका श्रेय दूसरों को देते हैं। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा। और यदि कोई चूक रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेते हैं? खुद लेते हैं। हमारा आपका सब कुछ उल्टा होता है, जो कुछ अच्छा है मेरा है, और जो कुछ कमी रह गई ये नरेंद्र जी की कमी है। समझ में आया ना? दूसरे पे डालना। तो आचार्य कहते हैं कि मैं समय सार दिखाऊंगा, और यदि कहीं चूक की स्थिति बन जाए तो छल ग्रहण मत करना, मैं समझूंगा मैंने गलत आदमी को समय सार सुना दिया, तुम तो बढ़िया हो। और चूकने का मतलब क्या है? चूकने का मतलब यह है कि तुम एकांती मत हो जाना, तुम भ्रष्ट मत हो जाना, तुम शिथिलाचारी मत हो जाना, तुम यद्वा तद्वा प्रवृत्ति मत करने लगना,
तुम अपना जैनाचार अहिंसक में प्रवृत्ति छोड़कर पाप में प्रवृत्ति मत करने लगना, और यदि ऐसा हो गया तो आचार्य को लिखना पड़ा चुपकेच छलम लंघेतम। क्यों? क्योंकि पर्याय मूर्ता अनादि काल की बहुत घनी है। यह पर्याय मूर्ता, पर्याय मूर्ता तो आप समझते हैं, पर्याय मूर्ता मतलब हम जिस पर्याय में गए उसी पर्याय में तादात्म हो गए। मनुष्य हुआ तो मैं मनुष्य, पशु हुआ तो मैं पशु, समझ में आया ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश। मैं पुरुष हुआ तो मैं पुरुष, सेठ हुआ तो मैं सेठ, पंडित हुआ तो मैं पंडित, गृहस्थों के व्रत ले लिए तो मैं गृहस्थ, मुनियों के व्रत ले लिए तो मैं मुनि। तो जो भी कंडीशन बनी उस कंडीशन को ही अपना स्वरूप जान लिया, इसका नाम है पर्याय मूर्ता। और हम जानते हैं आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी पर्याय मूर्ता आज की नहीं है, अनादिकाल की यह पर्याय मूर्ता है। मैं यहां समय सार सुनाऊंगा, एक तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, और आएगा भी तो तुम्हारी पर्याय मूर्ता इसे समझने नहीं देगी, तुम्हारी पर्याय मूर्ता इसको स्वीकार नहीं करने देगी, क्योंकि उसके संस्कार बहुत घड़े। मैं यहां से ताकत लगाऊंगा, आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, गोरा नहीं है, काला नहीं है, तुम्हें समझ में आएगा, कुछ देर के लिए संजीदा भी होगे, लेकिन वहां अंदर की पर्याय मूर्ता एक ऐसी लहर आएगी जैसे दरिया के किनारे जब जाते हैं ना घूमने, समुद्र के किनारे, तो बच्चे घरौंदा बनाते हैं, बनाते ना, समझ में आया, अपना नाम लिखते हैं, है? नए लड़के लड़की शादी के बाद जाते हैं तो वो लिखेंगे, वो दिल बनाएंगे, तीर, समझ में आया ना। और वहां एक लहर आएगी और सब, समझ में आया है? मैं यहां अभी पिछले साल सोमनाथ किनारे पे बैठा था, मैं और मेरी पत्नी, तो मैंने रेत पे लिखा, मुझे बाबूजी की पंक्ति याद आई, बाबू युगल जी की, जिसने अपने भीतर झांका उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। समझ में है? तो वो पंक्ति मुझे याद आई, उसका अर्थ यह है कि जिसने अपने भीतर झांक लिया हकीकत में उसने जीवन देखा है, बाकी ने तो केवल गर्म तटों पर, परितप्त तट मतलब समुद्र के किनारे गर्म तटों पर केवल रेखा खींची है, एक लहर आएगी खत्म हो जाएगी। तो मैंने उसमें वो ऐसी बैठा था तो ऐसा उंगली से रेत पे लिखा आत्मा। क्या लिखा? आत्मा। लहर आई, वो आत्मा भी बह गया। क्यों? वहां नहीं लिखना है, वहां तो लिखा हुआ आत्मा रेत में ही पानी में ही बहेगा, यहां यहां लिखा जाता है, वहां नहीं बह सकता। समझ में आ रही है बात की नहीं? है? आचार्य कहते हैं कि मैं जानता हूं बहुत कठिन काम है ये, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें चूक होने की संभावनाएं बहुत है, और जब मैं आत्मा दिखाऊंगा और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। अभी हम छठवीं सातवीं गाथा में समस्त व्यवहार का निषेध कर देंगे, आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं। 50 से 55वीं गाथा में आचार्य ने गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भावों को, ये सब पुद्गल की पर्याय है, ऐसा कह के उन्हें पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया, और वैसा ही फेंका जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक। जब मैं ऐसा कहूं तो तुम गुण स्थानों को पुद्गल की पर्याय मान के अपने आत्म स्वरूप को देख लेना, लेकिन ये तो ना करो, और गुण स्थान पुद्गल की पर्याय है ऐसा एकांत से मानकर संतुष्ट हो जाओ। तब आचार्य को लिखना पड़ा चुपकेच छलम लंघेतम। कर्ता कर्माधिकार में आचार्य कहेंगे कम्मस्या परिणामम लो कम्मस्या तहेद परिणामम लकरे ए मादा जो जानो दी सो हवदिनाड़ी। जीव कर्म नौकर्म का कर्ता नहीं, और जब ये मैं कहूं कि जीव कर्म नौकर्म का कर्ता नहीं है, आत्मा अकर्ता है, तो उस समय तुम अपने अकर्ता स्वभाव को जान लेना, उसका अनुभव कर लेना, उसमें आनंदित हो जाना, लेकिन वो ना करो। समझ में आए ना? और निमित्त निमित्त संबंध को भी ठुकरा के एकांती हो जाओ। तब आचार्य को लिखना पड़ा
चुपकेज छलमणा गेता। इसके बाद आचार्य पुण्य पाप अधिकार में कहते हैं, कम मसोहम कुशीलम सो कम चाविजान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवे से दी। तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो, शुभ कर्म को सुशील जानते हो, लेकिन वह शुभ कर्म पुण्य सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराए। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, जैसे सोने और लोहे की बेड़ी दोनों बांधती हैं, ऐसे पुण्य और पाप दोनों ही जीव को बांधते हैं। और जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित होता है वह जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ देता है। ये बात सुनकर तुम आत्म स्वभाव में तो जाओ नहीं और पाप में चले जाओ, ये कहो कि नहीं पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य कुशील है, हे है तो कल से मंदिर जाना बंद। तब आचार्य को लिखना पड़ा, चुपकेज छलम ना लेता बम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण। कई लोग कहते हैं सब पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है तो कल से हम पुण्य करना छोड़ दें। गुस्से में कहता है तो मेरा जवाब भी फिर गुस्से में ही होता है। मैं क्या कहता हूं, तुम कल नहीं आज छोड़ दो, पुण्य आज नहीं तुम अब छोड़ दो। और मैं तो कहता हूं तुम छोड़ ही दो, कल से एक अर्घ तुम्हें भी देने लगेंगे। तुम छोड़ो तो सही, पुण्य तो छूट नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम किस विधि से छोड़ोगे। क्योंकि पुण्य छोड़ने की दो विधि है, या तो जी पाप में चला जाए या आप में चला जाए। यदि आप में जाकर पुण्य छोड़ना चाहते तो छोड़ दो, यही मार्ग है, यही परमार्थ है। लेकिन तुम पाप में जाकर पुण्य को छोड़ना चाहते हो तो ऐसा छल तो जिनागम में नहीं है। एक बार बुआ बेटे, हजारों बार हमने पाप को हे कहा, छोड़ने लायक कहा, तब तुम्हें भाव नहीं आया पाप हे है, तब तुम्हें पाप करना छोड़ दूंगा। लेकिन आचार्य ने एक बार पुण्य को हे कहा तो छोड़ने को उतारू हो गए। इसका मतलब क्या है कि तुम पाप तो करते हो मन से और पुण्य करते हो देखा देखी कुल परंपरा से और किसी वजह से, अन्यथा ऐसा छोड़ने का भाव नहीं आता। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? तब आचार्य को लिखना पड़ा, चुपकेज छलम ना गया। इतना ही नहीं, आगे आचार्य आश्रय अधिकार में निर्जरा अधिकार में सम्यक दृष्टि की स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि सम्यक दृष्टि को रथि दू आसव बंदो सबमादिठिस आसव निरोधो, सम्यक दृष्टि के कोई आश्रय बंद नहीं होता। निर्जरा अधिकार में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो भी इंद्रियों का भोग करता है वह सब निर्जरा का कारण है। उपभोग मिंदिये हिम दब्बाणम चेदनाणम इंद्राणम जम गुणज सम्मदिट्ठि तम सब्बम हृज्जरणम। और जब मैं ऐसा कहूंगा कि सम्यक दृष्टि के भोगों से भी निर्जरा होती है तो मेरा इसमें केवल एक ही उद्देश्य है कि एक धर्मात्मा पुरुष उसकी अंतर्दृष्टि इतनी गहरी होती है कि कदाचित मोह उदय बस वो गृहस्थी आदि में भी रहे तब भी वह उससे संलिप्त नहीं होता। हमें उसकी अंतर्दृष्टि वैराग्य प्रणति बतानी है और तुम उसे तो ना समझो और फिर ये कहो कि सम्यक दृष्टि भोग भोग सकता है तो हम क्यों नहीं भोग सकते। समझ में आया ना? ऋषभ देव जब नीलांजना का नृत्य देख सकते हैं, डांस देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते? जब वो 96,000 रानियां रख सकते हैं तो हम दो क्यों नहीं रख सकते? जब वो 6 खंड की विभूति और 60,000 वर्ष युद्ध में निकाल सकते हैं तो हम जीवन के 50-60 वर्ष दुकान मकान में क्यों नहीं निकाल सकते? जब रामचंद्र जी लक्ष्मण को 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे तो हम कहते भैया वो तो चारित्र मोह का उदय था। ऐसा कैसा चारित्र मोह का उदय, हमारे तो ऐसा नहीं है। बोले हमारे पिताजी खत्म हो गए, हमने 3रे दिन दुकान खोल ली थी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? जब 5 पांडव तद्भव मोक्षगामी जब वो जुआ खेल सकते हैं तो हम सट्टा बाजार में क्यों नहीं जा सकते? समझ में आ रही बात की है? करते इसका नाम क्या है, चुपकेज छलम ना गया। यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत कर। अरे ये सब उदाहरण ज्ञानियों की अंतर्दृष्टि को बताने के लिए है और तुमने क्या पकड़ा? अंतर्दृष्टि नहीं पकड़ी,
और उसके बाहर के उदय की शिक्षा ले ली तो चुप गए चुप गए चुप गए। कुछ बात समझ में आती है? बोले वो तद्भव मोक्षगामी भरत और बाहुबली लड़ सकते हैं तो हम दोनों भाई जमीन के पीछे कोर्ट कचहरी क्यों नहीं कर सकते? तब आचार्य को लिखना पड़ा चुपकेज छलम लाए। इतना ही नहीं, आचार्य बंद अधिकार में कहते हैं जो मंडि हिंसामी हिंसे जामिया परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अन्नाणी नाणी एक तो दो विपरीतो। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, आगे की गाथा में कहा या मैं किसी को बचाता हूं, वह मूर्ख है अज्ञानी है और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। कोई जीव किसी जीव के जीवन मरण सुख दुख का कर्ता नहीं है, सभी जीवों का जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के अनुसार होता है, ऐसा आचार्य बंद अधिकार में लिखते हैं। तो ठीक है आचार्य देव, कल से पानी छानना बंद। जब कोई किसी को मारता बचाता नहीं है तो मैं पानी क्यों छानूं? मैं अभक्ष भक्षण का त्याग क्यों करूं? तब आचार्य कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा चुकेज छलम नांगे तब। समझ में आया ना? क्यों? पहले तुम पाप करके उसमें उलझे रहते थे, कदाचित आप हिंसादी चीजों का त्याग करके व्रत अंगीकार किए तो तुम उसके कर्ता बन गए। पहले पाप के कर्ता थे अब व्रत के कर्ता हो, पहले असत्य के कर्ता थे अब सत्य के कर्ता हो गए, पहले परिग्रह को जोड़ने वाले थे अब परिग्रह का त्याग करने वाले हो गए। रीढ़ की हड्डी तो ऐसी रही ना, अकड़ तो वही रही ना। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? और इस अकड़ के साथ भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता, इस कर्तृत्व के बोझ और अहंकार के साथ भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता। यहां तो बिल्कुल सीधे सरल जाना पड़ता है, जहां ना ग्रहण का अहंकार और जहां ना त्याग का अहंकार। ग्रहण का अहंकार करे या त्याग का अहंकार करे, दोनों ही परमार्थ से बहुत दूर है। मैं मारता हूं इसका अहंकार, मैं बचाता हूं इसका अहंकार। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? तब कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा कि भैया ये परमार्थ का पंथ है, ये सरल है सीधा है, परमाणु मात्र का बोझ भी सिर पे होगा तो आत्मा में नहीं जा पाओगे। इसलिए जो ये मानता है कि मैं मारता बचाता हूं वह मूर्ख है अज्ञानी। और इस बात को सुनकर तुम अपने अकर्ता स्वभाव का अनुभव कर लेना, लेकिन वहां तो ना जाओ और भ्रष्ट हो जाओ, पाप करने लगो, स्वेच्छाचारी हो जाओ। तब आचार्य को लिखना पड़ा जो केज छलम ना ले। इतना ही नहीं, आचार्य मोक्ष अधिकार में जाके तो और कमाल कर देते हैं। मालूम क्या लिखते हैं? पडिकमणम पडिसमणम परिहारो धारणा रेप्तिया निंदा गर्हा सोही अठे बहु होई विश्वकुंभ। क्या अर्थ हुआ? प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है। अच्छा आचार्य, यही सुनने रह गया था बस, वो भी सुन लिया। प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, मुनियों के छह आवश्यकों में प्रतिक्रमण है, वो जहर का घड़ा है। पहले गृहस्थों में भी करते थे प्रतिक्रमण, लेकिन वो षटकर्माणी दिने दिने आ गया ना, तो उसके बाद वो चला गया। श्वेतांबर भाइयों में आज भी क्रियात्मक तौर पर ही सही गृहस्थ भी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण यानी पूर्व में किए गए पापों का प्रायश्चित, तो जहर का घड़ा है। अरे प्रतिक्रमण पाठों की रचना गौतम स्वामी ने खास इस काल के जीवों के लिए की, जहर का घड़ा है। अच्छा क्या कह रहे, थोड़े दया करो ना हम सब जीवों पे। समझ में आ रही बात की नहीं? चलो 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 चलो, अच्छा ऐसा करो, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, विष कुंभ है, तो लगे हाथ ये भी बता दो कि अमृत कुंभ क्या है। तो वो कहते हैं अप्रतिक्रमण ये अमृत कुंभ है। वाह बहुत बढ़िया आचार्य। अब अप्रतिक्रमण के दो अर्थ, वही या तो जीव पाप में चला जाए या आप में चला जाए। ये आप में चला जाना ये तीसरी भूमिका, पाप में जाए ये पहली भूमिका, उनका प्रायश्चित करे प्रतिक्रमण वो दूसरी भूमिका, और आत्मा में चले जाना है तीसरी भूमिका। तीसरी भूमिका में जाकर दूसरी को छोड़ना है,
समझ में आएगा क्यों? बोले पहले तुम पाप करोगे और फिर उसका प्रतिक्रमण करोगे, पहले दोष पैदा करोगे फिर दोषों का प्रतिक्रमण करोगे। हम तुम्हें ऐसे निर्दोष आत्मा में ले जाना चाहते हैं जहां दूर दूर तक दोषों की संभावना ही नहीं है। ऐसे निर्दोष आत्मा में बैठा हुआ जीव कह रहा है प्रतिक्रमण विष्कुंभ में, और कोई ये बात सुनकर भगवान आत्मा में तो ना जाए और प्रतिक्रमण आदि छोड़ के घर में आलस से पाप में जीवन बिताने लगे, तब आचार्य को लिखना पड़ा चुपकेज झलम लगे तब। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और मैं ये मानता हूं कि 2000 साल में समयसार पाठियों के जीवन में जो विलासिता आई, जो शिथिलाचार आया, सबके में नहीं, जिसके में हो उसके में, सबके लिए नहीं है, शिथिलाचार आया, त्याग से दूर हो गए, संयम में प्रवृत्ति से दूर हो गए, तो हम सब ने कुंद कुंद देव की इस आशंका को सत्य सिद्ध कर दिया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? धवला पुस्तक एक में आपको श्रुत पंचमी की कहानी सुनी है कि नहीं? तो भूत बलि पुष्पदंत दोनों साधु आचार्य धरसेन के पास जाते हैं, उन्हें स्वप्न आता है, वो बैल आता है, वो कहानी सुनी ना सारी? वही घटना में एक छोटी सी बात सुनाता हूं। षटखंडागम की टीका है धवला, उस धवला की पुस्तक एक में ये बात आई है। जब वो दोनों साधु नरवाहन और सुबुद्धि, जो बाद में पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य नाम से विख्यात हुए, जब वो दोनों साधु चंद्रगुफा गिरनार पर्वत वहां पर जब पहुंचे दोनों साधु, तो आचार्य धरसेन की वंदना की, फिर आचार्य धरसेन ने संघ में भेज दिया, क्योंकि संघ में कोई आता है तो पहले उसकी परीक्षा करते हैं, पहले साधुता की परीक्षा की कि ये साधु सही है कि नहीं। तीसरे दिन वो आए, परीक्षा हो गई। अब परीक्षा करनी थी टैलेंट की, कि जो मैं ज्ञान में देना चाहता हूं वो प्रतिभा, वो शक्ति, वो तप, वो प्रज्ञा इनके अंदर है कि नहीं। तो जब वो आए, हाथ जोड़कर आचार्य से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि हे आचार्य देव, हम शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आपके चरणों में आए हैं, तो आचार्य फिर उनके टैलेंट की परीक्षा करते हैं और फिर वो दो मंत्र देते हैं। वो कथा आपने सुनी है, वो नहीं सुनाना है मुझे। तो उस समय वो दोनों साधु नत हैं और आचार्य उन दोनों साधुओं को देखकर परीक्षा दे रहे हैं और मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो बात बीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक एक में लिखी, दो गाथाएं लिखी प्राकृत में, और मानो उसमें क्या लिखा कि उस समय धरसेन स्वामी गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में उन दोनों साधुओं को देखकर श्रोता की पात्रता का विचार कर रहे हैं, श्रोता के स्वरूप का विचार कर रहे हैं, और वो सारा विचार बीरसेन स्वामी ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया कि देखो 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 भैया, जिनवाणी के कितने ही श्रोता पत्थर के पहाड़ की तरह होते हैं कि उन पर चार महीने झड़ी लगी रहे बारिश की, पूरे जिंदगी भर हजारों साल तक बारिश पड़ती रहे, लेकिन मजाल की पत्थर के पहाड़ का एक कोना भी भीग जाए। बोले ऐसे ही जिनवाणी की श्रोता होते हैं, जीवन भर जिनवाणी पढ़ते हैं लेकिन मजाल की उनके हृदय का एक कोना उस तत्व ज्ञान और वैराग्य में भीग जाए। ऐसे श्रोताओं को उन्होंने कहा पत्थर की तरह श्रोता। बोले अनेक श्रोता ऐसे होते हैं जो मिट्टी की तरह होते हैं। मिट्टी की तरह मतलब जैसे मिट्टी है ना, खेत में मिट्टी पड़ी है, बारिश हो जाए तो मुलायम हो जाती है, उसे कुछ आकार दे दो, और जब मिट्टी सूख जाती है उस समय उसको कोई आकार देना संभव नहीं। ऐसे बोले जब ये कई श्रोता ऐसे होते हैं, जब जिनवाणी पढ़ते हैं सुनते हैं तो उनकी चित्त की मिट्टी इतनी कोमल हो जाती है, ऐसे भीग जाते हैं, ऐसा लगेगा बस छपक श्रेणी मार नहीं वाला है, और जो ही जिनवाणी बंद जावाणी के ज्ञानते हुई और उसके चित्त की मिट्टी इतनी क्राक हो जाती है
कोई राजनीति, कोई छल, कोई कपट, कोई अहंकार की बातें, तब आचार्य को कहना पड़ा कि ऐसे श्रोता काय की तरह होते हैं, मिट्टी की तरह होते हैं। और सच में जैसे जब हम जिनवाणी सुनते हैं उस समय आपके चेहरे की फोटो खींची जाए तो चेहरे पे कितनी सरलता, सौम्यता, भाव भंगिमा होती है बढ़िया। और जिनवाणी स्तुति के 5 मिनट बाद आपके चेहरे की फोटो खींची जाए और दोनों आपको दिखाई जाए तो हम लज्जा से मर जाए। ऐसा कौन कह रहे हैं? धर्मसेन स्वामी विचार कर रहे हैं कि ऐसे श्रोता किसकी तरह? मिट्टी की तरह। बोले अनेक श्रोता तोते की तरह होते कि वो जो सुना उसने मुंह से बोल दिया, उसका भाव भाषण नहीं होता। कितने ही श्रोता सांप की तरह होते, सांप उसे बढ़िया देसी गाय का मर्यादा का निकला हुआ हष्ट मुष्ट पुष्ट धवल निरंजन दूध पिलाओ, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या उगलता है? जहर उगलता है, क्योंकि जहरीला है, उसकी अपात्रता है। ऐसे ही इस जीव को जिनवाणी सुनाओ, शरीर से भिन्न आत्मा की बातें सुनाओ, वैराग्य की बातें सुनाओ, अनासक्ति की बातें सुनाओ, सब सुनाओ। इतना बढ़िया अमृत जैसा जिन वचन जिनोपदेश से सुनाओ और अंत में उसके जीवन से क्या निकलता है? शिथिलाचार निकलता है, असंयम की बातें निकलती है, पाप की बातें निकलती है, क्रूरता की बातें निकलती है, जीवन में दया नहीं होती, वाणी में संतोष नहीं होता, संयम नहीं होता। ऐसे श्रोताओं को काय की तरह कहा? सांप की तरह। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे बताए, एक बताना है मुझे जिसका सीधा इससे संबंध है। बोले कई श्रोता होते हैं जोंक की तरह। काय की तरह? जोंक। जोंक तो जानते हैं ना, गर्मी में उमस से बचने के लिए वो गाय भैंस दलदल में उतर जाती है और वो जोंक होती है, वो गाय के थन में चिपक जाती है और भयंकर चिपकती। किसी को चिपकी नहीं, ना चिपके तो बढ़िया है। वैसे आजकल पैसे दे के चिपकवा रहे हैं लोग, नहीं पता, प्राकृतिक चिकित्सालय में जाओ ना तो वो कुछ हो जाती है, वो नसें बेकार से हो जाती है काली काली, तो उसमें वो चिपक काके वो चूस लेती है खून। तो वो जोंक गाय के थन में चिपक जाती है और क्या पीती है? खून पीती है। और खून भी कौन सा? गंदा खून पीती है। और कब तक पीती है? जब तक कि पेट ना फट जाए तब तक पीती है। वहीं पर दूध भी है लेकिन दूध नहीं पीती, खून, खून भी गंदा और वो भी जब तक मर ना जाए तब तक पीती रहती। आचार्य धर्मसेन स्वामी विचार कर रहे हैं कि जिनवाणी के बहुत सारे पाठक और श्रोता ऐसे ही होते हैं, उसी जिनवाणी में तत्व ज्ञान और वैराग्य की बातें हैं लेकिन मैं उन्हें ग्रहण नहीं करता, वहां से स्वच्छंदता निकालता है, स्वेच्छाचारिता निकालता है। जब वो लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? कुछ बात समझ में आ रही थी नहीं? जब वो 5 पांडव जुआ खेल सकते तो हम क्यों नहीं खेल सकते? जब वो 6 खंड की विभूति रख सकते तो हम क्यों नहीं अपना एम्पायर खड़ा कर सकते? जब वो नहीं लंजरा का डांस देख सकते तो हम क्यों नहीं देख सकते? ऐसे श्रोताओं को धर्मसेन स्वामी विचार कर रहे हैं कि ऐसे श्रोता काय की तरह है? जोंक की तरह श्रोता। और फिर एक और भी है, कई सारे बताए। और फिर लिखते हैं ऐसे अपात्र श्रोताओं को, किनको? ऐसे अपात्रों को जो श्रुत के मोह में जिन वाणी सुनाता है वह अनंत संसारी होता है। ये सुनाने वालों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की है धर्मसेन स्वामी ने। क्यों? अरे क्यों सुनाना है ऐसे? ऐसे कुंद कुंद देव भी कह रहे हैं, देखो भैया मैंने आत्मा का अनुभव किया, मैंने जब दुनिया में देखा बोले तो कोई क्रिया के भार के नीचे दब रहा है, कोई ज्ञान के भार के नीचे दब रहा है, कोई क्रिया का पालन करते हुए उसके कंधे झुक रहे हैं, कोई शास्त्र ज्ञान को माथे पे लेके झुका जा रहा है, निर्भार दोनों नहीं हुए। जीवन में जो आनंद समता है वो दोनों ही के नहीं दिखती। और गुरु प्रसाद से मुझे वह तत्वोपदेश मिला, मैंने उस आत्मा का अनुभव किया तो मेरा जीवन मंगल से भर गया। हम चाहते हैं पंचम काल का कोई साधक व्यक्ति उस सुख से वंचित ना रह जाए। तब कुंद कुंद देव लिख रहे हैं कि मैंने उस आत्मा का अनुभव किया और मैं वही आत्मा तुम्हें दिखाऊंगा।
लेकिन एक ही उम्मीद रखते हैं कि जब मैं दिखाऊं तो उसका स्वानुभव कर लेना, उसे बताने मत बैठ जाना, बघारने मत बैठ जाना, लिखने मत बैठ जाना, जब मैं वह आत्मा दिखाऊं तो देख लेना, और इस काम में कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। क्यों? यदि इस उद्देश्य को नहीं पूरा किया तो निश्चित रूप है तुम एकांति हो जाओगे या भ्रष्ट हो जाओगे। तो चूकना क्या है? आचार्य ने कहा मैं आत्मा दिखाऊंगा, एक ही उद्देश्य आत्मा दिखाना उनका था, और हम पढ़ने वाले भी एक ही उद्देश्य से पढ़ेंगे तो चूक नहीं होगी, और ये उद्देश्य को भूल गए तो कहीं ना कहीं चूक होगी होगी होगी। हम ना चूके, और आचार्य कुंद कुंद ने जो हमसे उम्मीद बनाई कि मैं आत्मा दिखाऊं तो स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, उस उम्मीद पे हम खरा उतरे तभी सच में समय सार हमारी परिणति में खिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की बात। हेलो।